हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम न्यू पैटर्न क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे और ये क्लोज टेस्ट सभी बैंकिंग, इंश्योरेंस और एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं इस क्लोज टेस्ट को। देखिए, ये न्यू पैटर्न क्लोज टेस्ट है जो कि इस समय बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो इस तरह के क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि एक जो एग्ज़ामनर है वो एक ऑप्शन आपको ऑलरेडी देता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये पूरा एक पैसेज है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी और ई ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है नो चेंजेस रिक्वायर्ड या नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो नो चेंजेस रिक्वायर्ड का ऑप्शन आपको तब चूज़ करना है जब ये एग्जामिनर के द्वारा ये दिया हुआ जो वर्ड है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉरपोरेशन दिया हुआ है फर्स्ट ब्लैंक में। यदि ये आपको सही लगता है तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा ई, यानी नो करेक्शन रिक्वायर्ड। और यदि ये ऑप्शन आपको सही नहीं लगता है तो जो चार ऑप्शन दिए हैं, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, कंपनी एंड सब्सिडरी, उसमें से एक ऑप्शन यहाँ पर आपको भरना है। तो इस तरीके से इस न्यू पैटर्न क्लोज टेस्ट को आपको करना है, और इसको करने के लिए डेफिनेटली आपकी वोकेबलरी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आपकी रीडिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और इसके थ्रू एग्जामिनर आपकी वोकेबलरी चेक करता है, आपका कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में आप किस तरीके से किसी भी वर्ड को यूज़ करते हैं वो चेक होता है इसमें, और डेफिनेटली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इसमें चेक होता है कि किस तरीके से आप एक पैसेज को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, सकते हैं यहाँ से डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स की इसमें बात हो रही है। डेमलर इंडिया ये ट्रक्स भी बनाते हैं, मर्सिडीज बेंच भी बनाते हैं, इनके काफ़ी सारे प्लांट्स हैं इंडिया में, बेंगलोर में, पुणे में और कई जगह इनके प्लांट्स हैं, तो उसकी इसमें बात हो रही है। तो डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स आर होली ओन्ड ऑफ डेमलर एजी। देखिए, यहाँ पर दो कंपनीज की बात हो रही है, एक एक है डेमलर एजी और एक है इसमें डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स, ठीक है। तो ये कंपनी, इसमें ऐसा लगता है पैसेज को देखने से कि ये जो कंपनी है ये इंडिया की एक कंपनी है, इंडिया में मतलब इन्हीं की एक कंपनी है, और डेमलर एजी जो है वो मेन कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। तो इस कंपनी को डेमलर एजी के द्वारा मैनेज किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल ये इंडिया की एक कंपनी है, मतलब इंडिया में इनका एक पार्ट है, उसकी ये कंपनी है। तो ये जो कंपनी है डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल, ये मेन कंपनी की क्या है, कॉरपोरेशन है, मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, कंपनी है या सब्सिडरी है? तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा सब्सिडरी, यानी डी यहाँ पर आपका आंसर होगा फर्स्ट में, क्योंकि सब्सिडरी हम एक ऐसी कंपनी को बोलते हैं जो कि मेन कंपनी के द्वारा कंट्रोल होती है, और वही इसमें बात हो रही है। डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल जो है वो डेमलर एजी का एक मेन पार्ट है, एक सब्सिडरी कंपनी है, उसकी एक रिलेटेड कंपनी है जो कि इंडिया में ऑपरेट करती है। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा सब्सिडरी। मिनिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं होगा इसमें, डिपार्टमेंट बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, कंपनी हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ सब्सिडरी कंपनी की बात कर रहे हैं, मेन कंपनी की हम बात नहीं कर रहे हैं, सब्सिडरी कंपनी की बात कर रहे हैं, रिलेटेड कंपनी की बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर, इसमें दो ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, कंपनी और सब्सिडरी, तो कंपनी नहीं होगा यहाँ पर, आपका सही आंसर होगा सब्सिडरी। और मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इसमें पूरी तरीके से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पूरी तरीके से गलत है। तो नॉर्मली दो ऑप्शन जो होंगे क्लोज टेस्ट में आपको पूरी तरीके से इनकरेक्ट या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही होंगे। तो डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स आ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ डेमलर एजी हैज सिग्निफिकेंटली। अब देखिए, यहाँ पर पास पास में दो आपको ब्लैंक दिए गए हैं, ठीक है। तो दो आपको ब्लैंक दिए गए हैं, तो यहां पर आपको चूंकि हैज दिया है तो यहां पर आपको सेकंड में आपको थर्ड फॉर्म चाहिए, और यहां पर आपको इट्स लिखा हुआ है, तो इट्स का मतलब है कि इसने, देखिए हैज के साथ यहां पर सिग्निफिकेंटली वर्ड दिया हुआ है, तो इसका मतलब है इसने कोई चीज इम्प्रूव की है या बढ़ाई है या उसको यूटिलाइज किया है, तो उससे रिलेटेड यहां पर एक वर्ड चाहिए जिसमें यह पता पड़े कि इसने किसी चीज को सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है या उसको यूटिलाइज किया है या उसको इम्प्रूव किया है, ठीक है। और यहाँ पर इट्स के बाद आपको कोई भी एक नाउन चाहिए, और यहाँ पर यदि आप आगे देखें तो लिखा है ऑन सोलर पावर एट इट्स ओरा गैडम प्लांट नियर हेयर।
तो इनके किसी प्लांट की बात हो रही है, ये कंपनी है, इसके काफ़ी सारे प्लांट हैं, एक पर्टिकुलर इसमें प्लांट की बात हो रही है और वहाँ पर सोलर पावर की भी बात हो रही है। तो या तो देखिए, अब सोलर पावर की बात हो रही है तो डेफिनेटली सोलर पावर का यूज़ इन्होंने कम तो किया नहीं होगा, क्योंकि सोलर पावर से जो एनर्जी कंजप्शन है वो डेफिनेटली आपका जो रेगुलर जो कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का वो काफ़ी कम हो जाता है और उसके एक्सपेंसेस भी कम होते हैं सोलर पावर के। तो सोलर पावर को डेफिनेटली इन्होंने बढ़ाया ही होगा, कम नहीं किया होगा, क्योंकि सोलर पावर को यदि ये कम करते हैं, सोलर पावर के यूज़ को कम करते हैं, तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा कि इस कंपनी ने सोलर पावर के यूज़ को कम कर दिया है, क्योंकि सोलर पावर जो होती है वो सस्ती होती है और एक्सपेंसेस बहुत कम आते हैं, तो डेफिनेटली हर कोई उसके यूज़ को बढ़ाना ही चाहेगा, कम हम उसको करना नहीं चाहेंगे। तो यदि आप कॉमन सेंस अप्लाई करें तो यहाँ पर सेकेंड में आपका जो आंसर होगा वो आप देख सकते हैं, एक तो एडेड दिया हुआ है, ठीक है, एडेड डायरेक्टेड इंक्रीज्ड अप्रूव्ड। तो यहाँ पर एडेड भी थोड़ा सा क्लोज है, लेकिन इंक्रीज्ड एकदम सही आंसर है यहाँ पर। एडेड का मतलब होता है जोड़ना, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। तो यहाँ पर वो चीज़ एड हम तब यूज़ करेंगे जब पहले से ही हम उसको यूज़ कर रहे हैं, और इंक्रीज का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग पावर है उसको हमने बढ़ाया है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंगली हम यूज़ कर रहे हैं सोलर पावर को, लेकिन हमने उसको बढ़ाया है। एडिट का मतलब होगा जोड़ना, तो एडिट उतना अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा इंक्रीज्ड, ठीक है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। और थर्ड में देखिए क्या वर्ड दिए हैं, किस चीज़ को उन्होंने बढ़ाया है, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म दिया है, एस्टिमेशन दिया है, मैंडेट और राइट दिया है। तो यहाँ पर हम पैसेज में ये बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने यूज़ को बढ़ाया है, अपनी अपनी निर्भरता को बढ़ाया है सोलर पावर पर, उनकी जो निर्भरता है, जो रिलायंस है उसको बढ़ाया। रिलाय एक वर्ड होता है, रिलाय का मतलब होता है वर्ब और रिलायंस होता है नाउन, RELY। तो RELY का ये नाउन फॉर्म है रिलायंस, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर निर्भरता, ठीक है, डिपेंडेंस। तो यहाँ पर डेफिनेटली हम रिलायंस की ही बात कर रहे हैं, निर्भरता की ही बात कर रहे हैं। तो ब्लैंक थर्ड में आपका जो आंसर होगा वो होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड या नो चेंजेस रिक्वायर्ड, क्योंकि रिलायंस यहाँ पर जो वर्ड है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑन सोलर पावर एट इट्स ओरागैडम प्लांट नियर हेयर ओवर ए फोर्थ ऑफ द डे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट इज नाउ मेट थ्रू। अब देखिए यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि डे डे टाइम का जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है वो सोलर पावर से पूरा हो जाता है, ऐसा हम बोलने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यदि आप सिक्स में जाएं तो सिक्स में आप बिना ऑप्शन देखे ही लगा सकते हैं आंसर। देखिए सिक्स में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि दिन के टाइम की जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, किससे, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम हाइड्रो पावर या विंड पावर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सोलर पावर की बात कर रहे हैं। तो सिक्स में आपका जो आंसर होगा वो डेफिनेटली सोलर पावर ही होगा। और पहले हम फोर्थ को देख लेते हैं, फोर्थ में चूंकि हम डे की बात कर रहे हैं और डे का जो रिलेशन है वो टाइम से है, तो इसलिए डे टाइम यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर फोर्थ में आपका जो आंसर होगा वो होगा टाइम। बाकी सारे ऑप्शन देखिए, डे सर्वेंट्स, डे डॉक्टर, डे प्रोडक्ट, कोई सेंस ही नहीं है, और डे टाइम का सेंस है क्योंकि दिन के टाइम का जो इलेक्ट्रिसिटी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है सोलर पावर से। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं डे टाइम, और अकाउंट्स इसमें नहीं आएगा, अकाउंट्स गलत है, डे टाइम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द। अब किस किस चीज़ के हम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, कंपनी की, प्लांट की, या सब्सिडरी कंपनी की, किस किस चीज़ की, किस जगह की हम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, क्या हम पूरी कंपनी की बात कर रहे हैं या हम एक पर्टिकुलर प्लांट की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम एक पर्टिकुलर प्लांट की बात कर रहे हैं जो कि ओरागैडम जगह में स्थित है। तो फिफ्थ में आपका जो ऑप्शन होगा, देखिए फिफ्थ में आपका कंपनी भी दिया हुआ है और प्लांट भी दिया हुआ है, तो गवर्नमेंट और ट्रक पूरी तरीके से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। रिएक्टर भी एक वर्ड दिया हुआ है, एग्जामिनर ने जो वर्ड दिया है वो रिएक्टर है। तो फिफ्थ में आपका जो आंसर सही होगा वो होगा प्लांट, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर प्लांट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम पूरी कंपनी की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। तो फिफ्थ में आपका जो ऑप्शन होगा, आपका जो आंसर होगा वो होगा प्लांट। इस तरीके से आपको कॉमन सेंस को अप्लाई करना है और आपके सही आंसर तक आपको पहुंचना है। इज नाउ मेट थ्रू, अब देखिए सिक्स में इलेक्ट्रिक पावर दिया है, सोलर पावर दिया है, हाइड्रो पावर दिया है और विंड पावर दिया है, और एक टरबाइन पावर दिया है सिक्स में। तो सिक्स में क्या आंसर होगा यदि आप कॉमन सेंस लगाएं, तो सिंपल सा इसका आंसर है कि सोलर पावर की हम चूंकि बात कर रहे हैं
तो सोलर पावर ही यहाँ पर सही आंसर आपका होगा। सेवेंथ पढ़ते हैं, दिस इज प्राइमरीली ड्यू टू, अब देखिए दिस इज प्राइमरीली ड्यू टू मेजर एडिशन टू द प्लांट्स एग्जिस्टिंग फोटो वोल्टिक इंस्टॉलेशंस, मतलब उन्होंने कुछ एडिशन किया है, उन्होंने सोलर पावर की उनकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया है और इस वजह से ये चीज़ पॉसिबल हुई है। क्या चीज़ पॉसिबल हुई है कि उनका जो दिन का जो इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट है वो केवल सोलर पावर से ही पूरा हो जाता है। तो सेवन में पॉसिबल दिया है, प्लीज दिया है, अपील दिया है, अपेरेंट दिया है, प्रोबेबल दिया है, तो ये चीज़ संभव हुई है। ये चीज़ किस चीज़ की वजह से संभव हुई है, सोलर पावर की वजह से। तो इसमें आंसर क्या दिया है, सेवन में जो एग्जामिनर ने जो वर्ड दिया है पॉसिबल, वो पूरी तरीके से सही है और इसमें सेवन में आपका जो आंसर होगा वो होगा नो चेंजेज रिक्वायर्ड या नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सेवन में दिस इज पॉसिबल प्राइमरीली ड्यू टू मेजर एडिशन टू द प्लांट्स एग्जिस्टिंग फोटो वोल्टिक इंस्टॉलेशंस एट डेमलर वर्ल्ड वाइड वी, ठीक है। अब कोई बोल रहा है यहाँ पर, कोई कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, वो बोल रहा है कि डेमलर में हम ये चीज़ करते हैं, एट डेमलर वर्ल्ड वाइड वी नेगेटिव इफेक्ट। अब देखिए एट में जो ऑप्शन दिया है उसमें उसके आगे क्या दिया है, उसके आगे नेगेटिव इफेक्ट्स दिया हुआ है। तो यदि आप कॉमन सेंस अप्लाई करें तो नेगेटिव इफेक्ट का हम क्या करेंगे, नेगेटिव इफेक्ट को हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे या हटाएंगे, डेफिनेटली हम उसको हटाएंगे या कम करेंगे, क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट्स को यदि हम बढ़ाते हैं तो इस चीज़ का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में हम नेगेटिव इफेक्ट को बढ़ाना नहीं चाहेंगे, उसको हम कम करना चाहेंगे, घटाना चाहेंगे या कम से कम करना चाहेंगे। तो इससे रिलेटेड एक वर्ड आपको यहाँ पर चाहिए एट में, तो एट में जो सही आपका आंसर होगा, देखिए इन्हेंस दिया है और मैक्सिमाइज दिया है, वो गलत हो जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड है, जबकि नेगेटिव इफेक्ट्स को हम हमेशा कम ही करना चाहेंगे, या तो उसको रिमूव करना चाहेंगे या उसको हम कम से कम करना चाहेंगे। तो इसलिए एट्थ में आपका जो आंसर होगा वो होगा मिनिमाइज, यानी सी आपका सही आंसर होगा एट्थ में। वी मिनिमाइज नेगेटिव इफेक्ट फ्रॉम आर एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है। हम नेगेटिव इफेक्ट को हटाते हैं एट डेमलर, मतलब डेमलर कंपनी में हम नेगेटिव इफेक्ट को हटाते हैं फ्रॉम आर एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम डेफिनेटली इफेक्टिव इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये एक सिस्टम है जिसमें हम सोलर पावर को यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिक पावर को कम से कम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो नाइन्थ में आपका जो आंसर होगा वो होगा सिस्टम, क्योंकि यदि आप इसके साथ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एडवाइस आप लगाएं या इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इम्पैक्ट लगाएं तो इसका क्या सेंस बनेगा, कोई सेंस नहीं बनेगा। मैनेजमेंट के साथ वैसे भी सिस्टम वर्ड जाता है, तो नाइन्थ में आपका जो आंसर होगा वो होगा सिस्टम एंड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का मतलब है कि काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी, काफ़ी इम्प्रूव्ड और एडवांस टेक्नोलॉजी, उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज, ठीक है। चलो हम आगे पढ़ते हैं, दिस प्रोजेक्ट इज़ ए परफेक्ट। अब परफेक्ट के साथ क्या हो सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें हम सोलर पावर को यूज़ कर रहे हैं, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है इस किस चीज़ का कि डेमलर जो कंपनी है वो प्रमोट करती है किस चीज़ को, क्लाइमेट प्रोटेक्शन को और कंजर्व वैल्यूबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो रिसोर्सेज को हम बचाने की बात कर रहे हैं और क्लाइमेट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं और ऐसा बखूबी करती है डेमलर कंपनी, तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर केवल एग्जाम्पल वर्ड ही सही होगा, एक्ट बॉडी हारमोनी और वे यहाँ पर गलत होंगे। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ डेमलर ट्रक्स एशिया प्रमोट्स क्लाइमेट प्रोटेक्शन, कंजर्व वैल्यूबल रिसोर्सेज एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रिजर्वेशन ऑफ ए लिवेबल इन्वायरमेंट। मार्क लिसेला हेड डेमलर ट्रक्स एशिया सेट, ये कंपनी के कोई रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने ये बयान दिया है, उन्होंने ये पूरे स्टेटमेंट दिया है, तो उसके बेस पर ये क्लोज टेस्ट बनाया गया है। तो इस तरीके से आपको सिंपल कॉमन सेंस अप्लाई करना है, लॉजिक आपको अप्लाई करना है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए और आप आसानी से क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। और IBPS PO प्री में क्लोज टेस्ट और फिलर्स के बेस पर ही आप सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ निकाल सकते हैं, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप क्लोज टेस्ट को पूरा कर देते हैं, पैराजम्बल को आप कर देते हैं और फिलर्स यदि आते हैं तो उनको आप कर देते हैं, तो इसके बेस पर ही आप अपना सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ आप निकाल सकते हैं। और उसी तरीके से आप SSC में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं यदि इस तरीके से आप क्लोज टेस्ट को करते हैं। तो डिस्कशन फोरम में अपना फीडबैक आप दें इसके बारे में, और यहाँ पर हेल्प नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक है तो मेरा मेल ID भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी है, इसके थ्रू भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
और यदि आप मॉक टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो test.englishadvantage.in ये वेबसाइट है, यहाँ से आप मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और इसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।